19वां इलेक्शन की तारीखें जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दी हैं और जल्दी ही नई लोकसभा देखने को मिलेगी। पहले भी कितनी बार लोकसभा के इलेक्शंस हुए, आगे आने वाले वक्त में भी होंगे, लेकिन ये देखने की बात है कि अपने 70 साल की आजादी के अंदर क्या आम आदमी के जीवन में कोई बदलाव आया है, क्या फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं की जिंदगी में कोई बदलाव आया है, क्या उनके शोषण पे कोई लगाम लगी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज मेरे पास बैठी है कमली, 35 साल की उम्र है इनकी और पिछले 7-8 साल से एक नरेला की फैक्ट्री में काम कर रही हैं ये, और इनका एक फेफड़ा पूरा का पूरा काम नहीं करता, उसके बावजूद भी अपने घर में बच्चों की रोजी रोटी परिवार चलाने के लिए ये फैक्ट्री में काम करती हैं और अक्सर बीमार भी रहती हैं। और जो न्यूनतम वेतन दिल्ली सरकार ने जो निर्धारित किया है वो इनको कभी नहीं मिला, और इंटरेस्टिंग ये है कि इनको मालूम भी नहीं है कि न्यूनतम वेतन क्या है। इनसे कुछ 2-3 सवाल हम करते हैं, ये बताएंगे कि दिल्ली का जनरल हालत क्या है मजदूरों की और खासकर महिला कर्मचारियों की। कमली ये बताओ कि आपका एक फेफड़ा काम नहीं करता है बहुत समय से, उसकी वजह से कुछ कुछ बीमार भी रहता है, उसके बाद भी आप फैक्ट्री में काम करते हो, क्यों करते हो फैक्ट्री में काम? सर घर चलाने के लिए करते हैं, घर में खर्च नहीं होता पूरा, इसलिए करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 4, 3 बेटी 1 बेटा है। सब पढ़ते हैं? हाँ जी। उनका खर्चा उठाने के लिए करना पड़ता है। अच्छा, फैक्ट्री में आप कितने साल से काम कर रहे हो? 6-7 साल तो हो गए। 6-7 साल काम कर रहे हो, तो आज आपकी क्या तनख्वाह है महीने की? 6,200 रूपये। और उसमें से कितने आपके प्रोविडेंट फंड के लिए कट जाते हैं? कभी 800 रूपये कटते हैं, कभी 900 रूपये कटते हैं, कभी 1,000 कट जाते हैं, कैसे कटते? तो आपको ESI का बेनिफिट नहीं है? नहीं, कुछ नहीं मिला। तो ये बताओ कि ये जो आपके साथ है, जो नई महिला आती है, उसको कितने तनख्वाह देते हैं? उनको भी 6,000 देते हैं। और ये जो आदमी लोग जो काम करते हैं फैक्ट्रियों में, उनको कितने देते हैं? उनको जो नए होते हैं 6-7.5 इतना मिलते हैं। मतलब जो यू कह लो कि महिलाओं को 6,000 और आदमियों को 7,000, ये एक जनरल है दिल्ली, पूरे दिल्ली में कह सकते हो कि इस तरीके की चलन है, मतलब आपके नरेला में और इधर उधर? हाँ, हमारे नरेला में है ज्यादातर तो। हाँ, इसी तरीके से हजारों हजारों महिलाएं और जो आदमी लोग काम करते हैं उनका तनख्वाह का यही पैटर्न है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये बताओ, आपको पता है कि कोई न्यूनतम वेतन अधिनियम मतलब कानून कोई है नाम की चीज, पता है आपको? पता ही नहीं सर। आपको पता है कि दिल्ली में जो है वो न्यूनतम वेतन क्या है, एक मजदूर को कम से कम कितना मिलना चाहिए मालूम है? नहीं सर। नहीं मालूम है? मैं आपको बताता हूँ, 14,000 रूपये कम से कम एक मजदूर को जो है दिल्ली में मिलना चाहिए। ये पहली बार पता लग रहा है आपको? हाँ जी। और आपके जो साथी लोग हैं उनको भी नहीं पता इस बारे में? नहीं। आपकी तनख्वाह कब बढ़ी थी पीछे? एक साल तो बढ़ी नहीं थी। हाँ। एक साल 300 रूपये बढ़े थे, एक बार 700 रूपये बढ़े थे, एक बार फिर 200 रूपये बढ़े। तभी लास्ट में 200 रूपये बढ़े। कितने दिन पहले बढ़े? पिछले साल बढ़े 200 रूपये। और आपको जो है 6,500 रूपये के करीब मिलता है? 6,200। हाँ, 6,200 रूपये, जो 14,000 अगर माने तो उसकी आधी तनख्वाह से भी कम है। अभी तो सर हमको पता नहीं है। तो ये देखा आपने कि जो दिल्ली सरकार है उसने 14,000 रूपये फिक्स करे हुए मिनिमम वेज, लेकिन कमली नहीं, कमली तो एक उदाहरण है। पूरे दिल्ली में जो 60 लाख मजदूर काम करते हैं उनमें 85% मजदूर ऐसे हैं जो जिनको मिनिमम वेज नहीं मिलता, और बहुत सारे मजदूरों को जानकारी भी नहीं है कि मिनिमम वेज कितना होता है। और आमतौर पर देखने को मिला है कि आदमी को 7,000 बना लो और औरत को 6,000 रूपया, मतलब मिनिमम वेज से आधी तनख्वाह जो है मिलती है, और कोई कार्रवाई इन एम्प्लॉयर्स के ऊपर नहीं करती है सरकार।